लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज जिस एक्सेसरीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही छोटा पार्ट है इस बाइक का, जो कि है मड गार्ड फ्लैप और नंबर प्लेट होल्डर। ये इंस्टॉल कराया है एमके डिज़ाइन से। इसकी जो कंपैटिबिलिटी है, इसका जो इंस्टॉलेशन है, जो एक्सपीरियंस रहा है इसको इंस्टॉल कराने के बाद, वो काफ़ी बढ़िया रहा है। अगर आपने कभी भी अपनी बाइक पे मड फ्लैप या नंबर प्लेट होल्डर लगवाया होगा तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि उसको लगवाने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं ख़राब होता है। आप परेशान रहते हो, कभी बोल्ट लूज़ हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। लेकिन इसको इंस्टॉल कराने के बाद, इट्स बीन 2.5 मंथ, ऐसा कोई भी मतलब बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, इसको लगाने के बाद काफ़ी लुक भी इन्हेंस हो गया इस बाइक का। तो ये मैं रेकमेंड करूँगा जो कि मैंने लगवाया है एम के डिज़ाइन से। अगर आपको अपनी जी टी कॉन्टिनेंटल 650 पे नंबर प्लेट होल्डर लगवाना है, मड गार्ड फ्लैप लगवाना है, सो डू कंसिडर इट। अगर बात करें प्राइस को लेके, तो ये है सम अराउंड 3500 रुपीज़ का। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये जस्ट 3 बोल्ट्स पे इंस्टॉल है, जो कि एलंकी बोलो आप उसको, एल एंकी बोलते हैं वैसे, बट लेमैन जो है मैकेनिक एलंकी एलंकी बोलते हैं। तो वो जस्ट जो बोल्ट है और नॉर्मल बोल्ट एलंकी में ये फ़र्क है कि उसको टाइट करने के लिए आपको एल एंकी चाहिए और वो कभी भी लूज़ नहीं होता। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे, इसका जो क्वालिटी है, जो बिल्ड क्वालिटी, वो काफ़ी बढ़िया है। ये पूरा मेटल है, यहाँ पे आपको मेटल मिलेगा। फिनिश देखो आप, आपकी बाइक के कलर को मैच करके इसको पेंट किया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ पेंट। तो पेंट तो अच्छा है, साथ ही साथ जो इसका फिनिश है वो भी बहुत अच्छा है। एज बहुत शार्प नहीं है, राउंड एज रखा गया इसका, आप देख सकते हो। और ये ओवरऑल इसके लुक एंड थीम को इसने कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि इसका जो एज है वो भी राउंड है, यहाँ पे भी आपको राउंड मिलता है। साथ में इसको नंबर प्लेट होल्डर भी दिया गया साथ में, तो आपके मडगार्ड फ्लैट फ्लैप का 2 यूज़ है। यहाँ पे एक नंबर प्लेट लगाया जा रहा है, साथ ही साथ जो फ्लैप है वो आपको मड से भी बचाता है, क्योंकि जब आप तेल टाइडी लगाते हो तो आपकी बाइक हो जाती है बहुत ज़्यादा शॉर्ट, और यहाँ से जो टायर के साथ गंदगी है वो आपके बैक पे या टी शर्ट पर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा।